हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो न्यूमेरिकल्स होता है उसके सॉल्व करने का जो सबसे आसान ट्रिक है वो क्या है, जिसमें आपको मिल सकती है फुल मार्क्स की गारंटी। अगर इस तरह से बताए गए ट्रिक्स से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको फुल मार्क्स की गारंटी रहेगी। और बस यह ट्रिक लगाइए, मैं आपको कुछ ट्रिक और टिप्स बताऊंगा, वो भी आपको लाइव प्रूफ के साथ। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स ले रखा हूँ। तो जो हमारा पहला ट्रिक और टिप्स है वह है न्यूमेरिकल को, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सबसे पहला जो काम है आपका न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो न्यूमेरिकल बिना देखे ही उसको कर देते हैं, साल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि चीज़ें जो पढ़े रहती है वो याद आने लगती है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल है तो इसको मुझे क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। तो ये हम पढ़ लेते हैं ध्यान से। दीर्घा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3×10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, ठीक है। ये हमने चीज़ों को पढ़ लिया। तो देखिए, इसमें दो वैल्यू भी दे रखा है, हमको ये भी ज्ञात करना है कि ये मात्रक किसका है, ठीक है। तो ये विभवांतर दिया हुआ है और ये आपका आवेश दिया है। तो देखिए, किसी भी फार्मूलों को, किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत होती है। अगर फार्मूला नहीं पता है तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको सबसे पहले फार्मूले की ज़रूरत है। ये हो गया। अब देखिए, दूसरा क्या है कि न्यूमेरिकल्स में दिए गए वैल्यूज को लिखना है। सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यूज दिए हैं उसको लिख लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूमेरिकल्स के वैल्यू के, इसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें दे रखा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना दे रखा है, 60 वोल्ट। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि वी बराबर हमारा क्या दे रखा है, विभवांतर 60 वोल्ट। और क्या दे रखा है, वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3×10⁵ कूलम आवेश, ठीक है। ये आवेश की वैल्यू दे रखा है। तो Q की जो वैल्यू है आपका कितना दे रखा है, 3×10⁵, ठीक है। इसका आवेश का मात्र कूलम, ये हो गया। अब देखिए, इसमें मुझे ज्ञात क्या करना है कि आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, यानी कार्य को किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से। तो आपको डब्ल्यू बराबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क, यानी ये चीज़ें आपको पता नहीं है। तो अब आप जरा सोचिए कि इसमें कौन सा फार्मूला हम लगाएं, ठीक है। तो आपको तीसरा क्या करना है कि आपको सोचना है। अब सोचिए कि न्यूमेरिकल्स में कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सभी फार्मूले को, ठीक है, सभी फार्मूले को क्या करेंगे आप, चैप्टर वाइज सभी फार्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज सभी फार्मूले को आपको याद कर लेना है। अगर इससे पहले मैंने वीडियो में सभी चैप्टर वाइज फार्मूले आपको बता दिया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चैप्टर वाइज सभी फार्मूले को आपको याद कर लेना है। तो ये हमारा चौथा काम है। अब देखिए, डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं गाइस, इसका जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है वी बराबर W बाई क्यू। विभवांतर का ये सूत्र होता है V बराबर W बाई क्यू। अब देखिए, यहाँ से मुझे क्या ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, W की वैल्यू निकालेंगे। तो W अपने जगह पे Q भाग में इस पर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V×Q, ठीक है। ये हमने व्यवस्थित कर लिया। और हाँ, देखिए, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप ऐसा एरो प्रत्येक स्टेप के बाद जरूर लगाइए, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि इसके बाद जो न्यूमेरिकल किया गया है वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, हम मान रखने, ठीक है, W बराबर V की वैल्यू कितना दिया है, 60 वोल्ट दिया है, उसको रख लेंगे। 60×Q की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 3×10⁻⁵ कूलम, 3×10⁻⁵, ये हो गया।
अब देखिए इसके बाद हमें सॉल्व कर लेना है, ये आप जरूर दीजिए। अगर इसमें साइन आ जाता है, कास आ जाता है, तो आपको अगर उसकी वैल्यू दिखाना है तो आप बगल में इस तरह से पाई खींचकर लिख देंगे कि कास थीटा बराबर 30 अंश रखने पर, ठीक है। इस तरह से एग्जामिनर को चेक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, उससे ये पता चल जाता है यहाँ पर ये किया गया है। तो फिर आप डब्ल्यू बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है, 180 इंटू 10^-5 ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमको करना क्या है कि W बराबर, ये आंसर आप लिख सकते हो लेकिन हमें क्या करना है, हमें दशमलव को यहाँ पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, ये अच्छा माना जाता है फिजिक्स में। तो हम एक दो स्थान पे दशमलव करें, यानी इसमें 100 से भाग देना है, 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.80 इंटू 10^-3। अब देखिए यहाँ पर आप गलती कर देते हो, ठीक है, गलती क्या करते हो कि ये क्या है, कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। देखिए गाइस यहाँ पे अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो आपके आधे नंबर जरूर कर सकते हैं, और इसको आप फाइनली आंसर आपका करेक्ट आता है तो आपको क्या करना है कि ब्लैक पेन से इससे अंडरग्राउंड करना है। इस तरह से करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख देना है ब्लैक पेन से आंसर, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा कुछ ट्रिक और टिप्स। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।